हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। काउंसलिंग एनालिसिस की सीरीज में आज जो स्टेट मैं कवर करने वाला हूं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की नीट यूजी 2023 के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो पेरेंट्स इन प्रोसेस को अभी से देख भी रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और ताकि अपनी प्लानिंग को एडवांस पे लेकर के वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलने वाला है कि क्या काउंसलिंग की रूल होती है मध्य प्रदेश में, किस तरीके के कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, फी स्ट्रक्चर काउंसलिंग में कट ऑफ का किस तरीके का पैटर्न रहा था 2023 में, और क्यों मध्य प्रदेश को कंडीशनल ओपन स्टेट कहा जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश को एक ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इस स्टेट को स्किप करके चलना पड़ेगा, और ऐसा क्यों ये इस वीडियो को आपको देखने के बाद में पता चलेगा। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, नए हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी प्लानिंग में आपको बहुत मदद करने वाला है। बाकी जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले आप जानिए कि मध्य प्रदेश की काउंसलिंग की कुछ ऐसी हाईलाइट जो कि आपको एक इनसाइट देगा कि किस तरीके से काउंसलिंग यहाँ पे की जाती है। मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेशन होता है वो 85% स्टेट कोटा की सीट्स का और 100% प्राइवेट। यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है जो 2023 में फॉलो किया गया था वो राउंड वन और मॉप अप राउंड में, राउंड टू में इसे ओपन नहीं किया गया था। चॉइस फिलिंग हर राउंड में ओपन की जाती है। रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है 1100। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग करना होगा। प्रोसेस सारा जो ये होगा वो ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। मध्य प्रदेश को कंडीशनल ओपन स्टेट कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फॉर्म फिलिंग तो करने के लिए दिया जाता है, बट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन उनको राउंड टू से इनेबल किया जाता है। और साथ ही में रूल ये भी है कि मध्य प्रदेश में जब तक डोमिसाइल कैंडिडेट्स मौजूद हैं और सीट्स वैकेंट हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर सीट कोई बच जाती है तो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को यह ऑप्शन दिया जाता है। अब आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कट ऑफ में किस तरीके का वेरिएशन रहा था 2023 में। मध्य प्रदेश में यूजुअली कट ऑफ का वेरिएशन इस तरीके से रहता है जहां पे राउंड वन से राउंड टू और मॉप अप तक पे कट ऑफ ड्रॉप होता चला जाता है, बट 2023 में यू शेप का कट ऑफ का पैटर्न देखने के लिए मिला, जहां पे राउंड वन में कट ऑफ हायर साइड पे थी, राउंड टू पे फिर ये ड्रॉप हुआ और मॉपअप में फिर से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो जो बेस्ट राउंड था एमपी में 2023 में पार्टिसिपेशन करके अच्छे कॉलेज को पाने का वो था राउंड टू, जहां पे लोअर स्कोर पे ऑप्शंस मिले थे। अब किस तरीके से कट ऑफ रहा था ये भी देखते हैं। गवर्नमेंट में ओपन कैटेगरी में राउंड वन में कट ऑफ रहा था 567 का, ये ड्रॉप होकर के 563 हो गया था राउंड टू में, और 587 ये बढ़ करके हो गया था राउंड थ्री में। राउंड थ्री में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम बचे थे और फिर से एप्लीकेशन ओपन होने की वजह से जो भी बचे हुए स्टूडेंट थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया था उन्होंने अपना फुल एफर्ट लगाया कि वहां पे शायद उनको सीट मिले, जिससे नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़े और वहां पे नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ा और कट ऑफ ऊपर की तरफ चला गया था। जब भी आप काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं आपको बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, कितने बच्चे सीट ऑप्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे सीट रिजाइन कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी। साथ ही में दूसरी स्टेट में किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, इस स्टेट के साथ में दूसरी कौन सी स्टेट है जहां पे स्टूडेंट्स ऑप्शंस को देख करके चल रहे होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑल इंडिया कोटा में सीट्स के लिए भी बच्चे जा रहे होंगे, और अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो स्टूडेंट और भी स्टेट्स को जरूर प्रेफर करके चल रहे होंगे अगर उनको उनके हिसाब से मन लायक कॉलेज अगर एमपी के अंदर में नहीं मिल पा रहा होगा तो इसी वजह से कट ऑफ में वेरिएशन होता है और आपको इन सब चीजों के लिए बहुत केयरफुल रहना होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो राउंड वन में 471 का कट ऑफ स्कोर रहा था, ये घट करके राउंड टू में 456 हो गया और ये वापस मॉप अप राउंड में 482 पे बढ़ करके क्लोज हुआ। ये याद रखिएगा कि ये बॉटम स्कोर है, इस स्कोर को आप टारगेट करके नहीं चल सकते क्योंकि ये एक ऐसा स्कोर होता है जो कि रिस्की स्कोर भी माना जा सकता है। इस पे आखिरी सीट अलॉट हुई थी, नॉट द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 नंबर इससे ज्यादा स्कोर टारगेट करके चलना होगा, तब जाकर के आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हायर साइड पे रहेगी। ये कट ऑफ का हमने जो ट्रेंड आपको दिखाया है ये मॉप अप राउंड तक का है, यानी कि राउंड वन, राउंड टू और मॉप अप राउंड का। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे कितने कॉलेज और कितनी सीट्स हैं।
पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट में 14 कॉलेजेस हैं जहां पे 1908 एमबीबीएस की सीट्स है अंडर स्टेट कोटा 85% जो कि रिजर्व रहता है स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 कॉलेज हैं जहां पे 1864 एमबीबीएस की सीट्स हैं। वहीं एनआरआई कैटेगरी में 336 सीट्स को रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। गवर्नमेंट में 1 लाख रुपीज का यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर है जो कि सारे कॉलेज में एप्लीकेबल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 9 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रहा है और 14,89,000 पर एनम का ट्यूशन फीस रखा गया। तो ऑन एन एवरेज आप लेकर के चले तो 60 लाख से 75 लाख रुपीज के बीच का वेरिएबल फीस स्ट्रक्चर है। टोटल कॉस्ट जिसको कहते हैं वो आपको यहां पे एप्लीकेबल होता है। एनआरआई में 27 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रहा है ट्यूशन फीस पर एनम का और 44,67,000 पर एनम तक जा रहा है जो कि बहुत ही हायर साइड पे रहता है, जिसके वजह से ये हायर साइड वाली फीस स्ट्रक्चर वाली सीट कुछ वैकेंट भी रह जाती है जिसको नॉर्मल कैटेगरी में भी ऑफर किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर में अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम भी ऑफर की जाती है जो कि बोलूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो एस्पायर तो बहुत पढ़ा करते हैं बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं होते हैं जो कि वो इस तरीके के एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। बट मध्य प्रदेश में ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कि वो अगर फाइनेंशियली वीक भी हैं तो फिर भी वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह की स्कीम यहाँ पे ऑफर की जाती है, मेधावी योजना, जन कल्याण योजना और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जानते हैं इसको डिटेल में। मेधावी योजना के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का और अगर आपने स्टेट बोर्ड से 12th किया है तो 70% का आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए यानी कि टोटल स्कोर। वहीं अगर आपने सीबीएसई या फिर आईसीएसई से 12th किया है तो 85% का आपका होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। इसके अंतर्गत आपको 100% की स्कॉलरशिप दी जाती है। दूसरा स्कीम है जन कल्याण योजना। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपके पास में एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, साथ ही में आपके फादर या मदर जो कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के रूप में रजिस्टर्ड है लेबर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में तो उनको ये ऑफर की जाती है स्कीम। अनऑर्गेनाइज वर्कर का मतलब क्या होता है, ये वो वर्कर होते हैं जैसे कि जो कि कैंडल मेकिंग करते हैं, अगरबत्ती मेकिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी मेकिंग करते हैं या टेलरिंग का काम करते हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज वर्कर कहलाते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि इस तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं तो आपको भी ये स्कीम का फायदा मिल सकता है। तीसरा जो स्कीम है वो पोस्ट मैट्रिक स्कीम है स्कॉलरशिप का। ये रिजर्व कैटेगरी को ऑफर की जाती है यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। यहां पे अगर आपका 2.5 लाख रुपीस का इनकम है आपके पेरेंट का तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट का इनकम 2.5 से ऊपर और 6 लाख रुपीस से नीचे का है तो यहां पे इस कंडीशन में आपको 50% का स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। इस सब की बाकी डिटेल्स आपको एमपी के वेबसाइट पे मिलेगी जो कि स्कॉलरशिप के लिए अलग से यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, जिसको आप देख करके एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं टाइमली और इन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। अगर आप एमपी को भी फोकस करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और एमपी को एक ऑप्शन लेकर के चलना चाह रहे हैं 2024 में, तो आपको ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एमपी को आप स्किप करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को पहले तो राउंड 2 से अलाउ किया जाता है, रजिस्ट्रेशन तो राउंड 1 में कर लेते हैं बहुत, बट चॉइस फिलिंग राउंड 2 से अलाउ किया जाता है यानी कि पहले राउंड की अपॉर्चुनिटी तो मिस कर रहे होते हैं वो। राउंड 2 से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो जरूर है बट जो कंडीशन है जहां पे पहले डोमिसाइल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, अगर सीट बचती है तो फिर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा। तो पिछले कई सालों से हमने एमपी की कट ऑफ को एनालाइज किया है, काउंसलिंग के पैटर्न को देखा है, वहां पे हमने किसी एक भी स्टूडेंट के अलॉटमेंट को नहीं देखा है होते हुए एमबीबीएस प्रोग्राम में जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर इसे ऑप्शन को लेकर के चल रहे हैं तो एक तरीके से फॉल्स ऑप्शन है जो कि आपको कभी रियलाइज नहीं होगा। तो क्यों ऐसे ऑप्शन को लेकर के चलना, अगर आप इस ऑप्शन को लेकर भी चल रहे हैं ट्राई करने के लिए तो आप दूसरे बेहतर ऑप्शन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जिस तरीके का कट ऑफ का पैटर्न है यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उतने स्कोर में यहाँ पे जो कॉलेज मिल रहे हैं वो लोअर
रैंक्ड कॉलेज आपको मिल रहा है, उसी स्कोर पे सिमिलर बजट में आपको दूसरे स्टेट में बेहतर रैंक कॉलेज भी मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगा। एनआरआई कैटेगरी में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। कट ऑफ की बात करें 2024 में, तो आपको एटलीस्ट 570 प्लस का टारगेट करना होगा अगर गवर्नमेंट की सीट की बात कर रहे हैं तो, और 460 प्लस अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स, आपने जाना एमपी के अंदर में किस तरीके की काउंसलिंग रूल है, क्या कट ऑफ का पैटर्न है, किस तरीके का स्कीम्स यहाँ पे स्कॉलरशिप के अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियोस में आपको और भी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि आपको आने वाले 2024 के सेशन में एडवांस प्लानिंग में मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।